नमस्कार दोस्तों, लाल बैग उसके ऊपर आराम से हम लोग जा रहे हैं अपने घर एक बहुत ही शुभ काम के लिए। अगर आपको जानना है तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़ें। हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज से वो शुभ काम के लिए निकलेंगे जिस शुभ काम के लिए हम लोगों को जाना है। अगर जानना है आपको शुभ काम तो हमारे साथ जुड़े रहें लास्ट तक और देखें हमारी यात्रा कैसे है और हमारे यात्रा में क्या क्या कैसे घट रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं जरूर देखें। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और मैं अपना वॉच दे रहा हूँ रखने के लिए बैग में। देखना मम्मी क्या कर रही है, मम्मी का देखना क्या कर रही है। बाय कर अराइज, बाय बाय। देखिए आरांस कितना खुश देख रहा है, वो मेरे साथ ऊपर बैठा हुआ है और मज़े में है, अपने बाबा के घर जा रहा है। दोस्तों ट्रेन में रात में बैठने के बाद सोने का ही मन करता है क्योंकि कोई काम तो होता नहीं है। जब ट्रेन चल देती है तो सभी लोग सोने लगे हैं और देखिए कैसे एकदम सन्नाटा हो चुका है, सभी लोग सो रहे हैं और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं सोने की। आरांस को मैं बता रहा हूँ कि कैसे लेटना है। और हम लोग प्रयागराज जंक्शन उतर चुके हैं और देखिए कैसे हम लोग अब अपने घर जा रहे हैं। आरांस एकदम खुश है, देखिए कैसे हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों हम सफ़र से ही आए थे, देखिए यही ट्रेन है जिससे हम लोग आए थे और अब चल रहे हैं हम लोग एक नंबर प्लेटफार्म की तरफ। तो टैक्सी मिलेगा लेकिन उधर टाइम लगेगा, तो हम लोग जा रहे हैं 10 नंबर प्लेटफार्म की तरफ से। बाहर से सिविल लाइन से होके सीधा निकल जाएंगे अपने घर। हम लोग बाहर आ चुके हैं और देख रहे हैं कि कौन सी टैक्सी करें। और देखिए यही प्रयागराज जंक्शन है और जंक्शन से ही यहीं से हमारा घर नज़दीक है यहाँ से। और हम लोग चल दिए हैं फाइनली अपने घर की तरफ। देखिए कैसे हम लोग बैठे हैं और ई रिक्शा है जो हर जगह आराम से मिल जाता है। ये प्रयागराज के फाफामऊ का पुल है, यहीं पे शादी में जरूर आना जो मूवी बनी थी ये करजन पुल पे ही बनी थी और ये बहुत फेमस हो गया है उसकी वजह से। आप लोगों को इसके बारे में अगर जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम दोस्तों टैक्सी वाले गाना बहुत अच्छा बजाते हैं, पर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।